नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरिन। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम सभी भगवान के दर पर जाते हैं। इसी क्रम में कई लोग तीर्थ यात्रा भी कराते हैं, लेकिन क्या तीर्थ यात्रा का फल सभी को मिल पाता है? अपने शरीर को कष्ट देकर प्रभु के दर पर पहुंचने वालों की भगवान सुनते भी हैं या नहीं? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किसे और कब तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोग अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग धाम जाते हैं, ऐसे जाना किस तरह से उन्हें फलदायक होता है, उनके लिए साबित होता है और कितना फलकारी साबित होता है? बेटा, इंसान शुरुआत से जब से धरती पे आया है एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी रहा है और हमेशा इसने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा जाने और ज़्यादा से ज़्यादा करे। सिर्फ एक यही कारण की वजह से जैसे जैसे इंसान अपने अध्यात्म को जानता गया और उसके अंदर आसपास के लोगों का कर्म देख के उसको ही मानता गया और वही जीवन बनाया। बहुत हद तक ये सही था और बहुत हद तक ये गलत भी रहा। जब अध्यात्म की शुरुआत हुई तो उस वक्त में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बनाया, एक तरह का हमें समझाने की कोशिश करी कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने तो ये समझाया कि जैसे उन्होंने समझाया कि अगर आपको ताकत चाहिए तो आपको सात्विकता का पालन करना है, आपको मेहनत करनी है, शारीरिक व्यायाम करना है, खान पान अच्छा रखना है और हनुमान जी की पूजा करनी है। ठीक है, उन्होंने ये समझाया, हमने माना भी। फिर अगर आपको धन चाहिए तो आपको माँ लक्ष्मी का चित्र सामने रख के या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके या माँ लक्ष्मी की पूजा करके, आराधना करके, उनका चित्रण पूरा जान के उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। अगर आपको इज्जत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नाम चाहिए, कर्म चाहिए तो आप विष्णु भगवान की पूजा करो। और अगर आपको शांति चाहिए, गृहस्थी चलानी है और लोगों को माफ़ करना सीखना है तो भोलेनाथ की पूजा करो। तो उन्होंने तो इस तरह से हर देवता के प्रति चित्रण हमें दिखाए। लेकिन अब हुआ क्या, एक आदमी जिसको कहा गया था भोलेनाथ की पूजा करो, उसका दूसरा रिश्तेदार वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था। अब वो वहाँ गया, ये भी कहा जाता है कि कभी किसी का अनादर नहीं करना, तो वहाँ गए, उन्होंने सर झुकाया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक ज़माना था, आज से अगर हम 50-60 साल पहले ही चले जाएं तो ज़माना ये था कि एक ही भगवान का मंदिर हुआ करता था जिसके नाम से वो मशहूर है। लेकिन आज सब जगह सब भगवानों का मंदिर मिलता है और प्रथा ये आ गई कि अगर एक ही पूजा करने जा रहे हो तो दूसरे की पूजा करनी एक तरह की मजबूरी है दूसरे भगवान की। पहले लोग जब तीर्थ यात्रा किया करते थे तो वो एक समय निकाल के पर्टिकुलर तब जाया करते थे तीर्थों के लिए या किसी खास चीज़ के फल की प्राप्ति के लिए जाया करते थे तीर्थ के लिए। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि सारे साधन बहुत ही आराम से सुलभ हो गए, जिसके कारण लोग एक साल के अंदर 20-25 तीर्थ भी करते हैं। ये भी हो गया है, अब लोगों की ये आस्था बन गई। जबकि ये सही मायने में परमात्मा का आशीर्वाद उससे प्राप्त करने वाले फल का एक तरीका था, लेकिन अब ये आस्था में कन्वर्ट हो गया। ये तरीका तो ठीक है कि ठीक है, हम जाते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, अपनी झोली भरते हैं, कहने का मतलब हमें ये महसूस होगा हमारी झोली भरी और हम वापस आए। लेकिन इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। सही तरीके के लिए आपको परमात्मा को रिश्वत नहीं देनी, परमात्मा से झोली फैला करके जब मांगना है तो उसको देना ज़रूरी नहीं है कि नहीं प्रभु मैं आऊँगा और ये करके जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर आप अगर श्रद्धा से जा करके माथा झुका करके अपनी तकलीफ़ वहाँ पर बोल के आते हैं और आकर के अपना पूरा कर्म करते हैं और उस तकलीफ को दूर करने के पूरे प्रयास करते हैं अगर, तो परमात्मा आपकी झोली भरते हैं। और उसके बाद में
एक नया ही चलन आजकल और बना हुआ है कि तूने फलानी जगह कोई माथा टेका था या फलानी जगह तुमने कोई मंशा मांगी थी, उसके बाद तुमने अपनी पूरी नहीं करी, इसलिए तुम्हारे साथ ये होगा। ये डराने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन आप सबको मैं एक और बात बता दूं बेटा, परमात्मा इतने बुरे नहीं हैं और ना ही परमात्मा इतने छोटे दिल के हैं कि अगर ज़रा सी कोई चीज़ तुम नहीं करोगे तो परमात्मा तुम पे कहर बरसा देगा। परमात्मा की मानसिकता नहीं है ऐसी। परमात्मा का तो एक ही काम है बेटा, उसने जन्म देना है, पालना है, उसने धरती का बैलेंस बनाने के लिए मरण भी देखना है इंसान का। जब ज़रूरत पड़ती है और आप श्रद्धावश जब उसके आगे माथा झुकाते हैं तो आपके दुख भी दूर करता है। अगर इसको इतना जान के और उसको अपना माँ बाप मान के बेटा अगर थोड़ी देर से भी तीर्थ आप करते हो और पूरी श्रद्धा के साथ अगर जा करके करते हो तो ही आप फल के कारक बनते हो। और अगर आप सिर्फ तीर्थ करने जा रहे हो, सिर्फ आपने बोल दिया है या किसी के कहने के ऊपर नहीं मैं भी चलता हूँ इस तरह से चल रहे हो, तो बेटा वहाँ पर तीर्थ के लाभ नहीं होते। तीर्थ का लाभ स्पेशली तौर पे इस चीज़ के लिए रखा जाता है कि परमात्मा आपका वाकई में कोई कर्म सिद्ध करे। जैसे आज आपका बच्चा मान लो 10-15 साल का है, आप अगर कहते हो कि मेरे बच्चे की शादी अगर सही संपन्न हो जाती है, जो कि 20-22-25 साल की उम्र में होगी, संपन्न होती, परमात्मा मैं तेरा धन्यवाद करने आऊँगा। ये तीर्थ होता है जब आप उस श्रद्धा के साथ जाते हो। लेकिन जब 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब ये कहता है कि प्रभु मेरे को 10वीं क्लास में चढ़ा दे और 10वीं में अच्छे मार्क्स दिला दे तब मैं तीर्थ करने आऊँगा, ये तीर्थ नहीं होता। तो बेटा इन चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा, उसके अनुसार जो परमात्मा का प्रारूप है, जो उसका स्वरूप है, जो उसकी आशा है, जो उसके हम कर्म को जानते हैं, समझिए, उसको हमें बरकरार रखना पड़ेगा, कायम रखना पड़ेगा। अपनी अंधाधुंध अंधविश्वासी को परमात्मा मानना और उसके कर्म को मानना बेटा ये बिल्कुल गलत है, इससे बहुत कुछ बिगड़ भी रहा है। तो इसीलिए संयम से, धैर्य से परमात्मा को अपना मानते हुए और उसके साथ बात करते हुए पूरी श्रद्धा पूर्वक जो तीर्थ किए जाते हैं वही फलीभूत होते हैं। जो शर्त के रूप में, रिश्वत के रूप में जो तीर्थ किए जाते हैं बेटा वो बेहद गलत होते हैं। गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, लोग दर्शन करने के लिए तो चले जाते हैं शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग या फिर धाम, लेकिन कब जाना चाहिए? हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसका सही वक्त क्या है, कब हमें जाना चाहिए? बेटा मेरे को याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो लोग अगर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी निकलते थे ना, तो वो कोशिश यही किया करते थे कि उनका पूरा जीवन निकल गया है, अब जीवन के आखिरी पड़ाव आ रहे हैं और अभी शरीर में जान बाकी है तो उससे पहले पहले तीर्थ कर लें। इससे क्या है, ठीक वही चीज़ कि जैसे आज आपको किसी भी चीज़ की अगर आदत रह हो जाए तो उसके बाद वो आपके लिए आम हो जाती है। लेकिन जब आप सारी ज़िंदगी परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के, उसके प्रति विश्वास रख के, उससे मिले बिना जब आप लगातार जीवन गुजारते हैं तो एक परमात्मा के प्रति एक वाकई में बहुत अच्छी श्रद्धा आपके मन में आप रखते हुए जीवन के अंदर बहुत अच्छे कार्य करते हैं और जहाँ जहाँ विघ्न बाधा होती है तो हाथ ऊपर उठा करके आप उसके मदद की आप गुहार लगाते हैं और परमात्मा आपकी झोली भरता है और उसके बाद आप तीर्थ एक बार जाते तो अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ये सही मायने में तीर्थ का यही एक तरीका है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को पहले पूरा करें, आप अपने कर्म को पूरा करें। इस कर्म को करते हुए रोज़ आपके रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आनी हैं और उन तकलीफ़ों को परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के उससे मदद मांगते हुए उनके ऊपर विजय प्राप्त करते चले जाओ और अपने जीवन को पहले साक्षर करो। और जब आप वाकई में खुशहाल हो जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा भुगता चुको, जब आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके हो, अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए और बच्चों का समय आ गए, तब आपको तीर्थ ज़रूर करने चाहिए। फिर आप चाहे चार धाम की यात्रा करो, चाहे आप गंगोत्री यमुनोत्री तक जाओ, चाहे आप तिरुपति बालाजी जाए, चाहे आप वैष्णो देवी जी जाए, या फिर आप अमरनाथ जी की यात्रा करें। लेकिन आज का जो समय है, जो बच्चे
पूर्ण रूप से अभी पढ़ाई लिखाई में ही लगे हुए हैं। जो लोग अभी नए नए काम शुरू कर रहे हैं वो तीर्थ यात्राओं के पूरी एक तरह की रेल बनाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूँ बेटा, परमात्मा भी यही कहता है कि या तो आपका कर्म ही ऐसा हो कि आपको मेरे पास आना है, सिद्धियों को प्राप्त करना है, आपको शक्तियों को प्राप्त करना है, ज्ञान को अर्जित करना है, और उसके बाद यही ज्ञान ले जाकर के आपको दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करना है और उनके बीच में बांटना है, उनके दुखों को दूर करना है, तो आपके लिए हर तीर्थ जायज़ है। जैसे कि साधु महात्मा सन्यासी लोग करते हैं, और कई लोग गृहस्थ के भी सन्यासी होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जायज़ है। लेकिन जो अभी अपने कर्मों में फंसे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निपटा नहीं पाए, अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की, वो लोग जो तीर्थ कर रहे हैं, बेटा ये सही मायने में अपना अध्यात्म उठाइए, अपने ग्रंथ उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। और इसी के अंदर बेटा, जब आप अपने ही अध्यात्म को नहीं समझते और उसमें लिखे हुए कर्म को नहीं समझते, तो बेटा ये जो आप तीर्थ पूरी तरह से करते भी हैं, जो बेवक्त करते हैं आप, इसके पूरे फल आपको नहीं मिलते। गुरुदेव, अक्सर लोग अमरनाथ यात्रा पर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, या फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका जो रास्ता होता है, जो यात्रा होती है, वो बहुत कठिन होती है। तो क्या कठिन यात्रा का फल भी भक्तों को मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मैंने पहले ही कहा है कि परमात्मा की मानसिकता इंसानों जैसी नहीं है। लोगों को घर में वो नौकर बड़ा अच्छा लगता है जो दिन रात बिना खाए पिए सिर्फ घर की सेवा करता जाए और सारा दिन काम करता रहे, और उसके बाद में वो ना तो चोरी करे और ना ही कुछ फालतू डिमांड करे। हर इंसान को वो अच्छा लगता है, और इसीलिए ये हर इंसान की नित्य प्रति की मानसिकता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है बेटा। परमात्मा एक ही शब्द बोलता है कि आप जो कुछ करते हो वो नैतिकता से, सात्विकता से करो, नियम से करो। नियम परमात्मा को पसंद है, ठीक है, और जितना करो उसके अंदर शुद्धिपन हो, किसी की आत्मा दिखाई हुई ना हो, किसी का बुरा चाहा हुआ ना हो, तो परमात्मा आपके साथ है। फिर आप जब तक तीर्थ यात्रा संपूर्ण ना हो जाए तब तक आपके मन में सिर्फ वही रहे, उसी का कर्म रहे, और उसी की विधि को आप अपनाते हुए अपना तीर्थ संपूर्ण करो, तो बेटा परमात्मा हर तरह से आपके साथ होगा, आपकी झोली भरेगा और आपको पूरा खुशहाल करेगा। लेकिन जब आप निकलते तीर्थ यात्रा के नाम पे हैं, रास्ते में दिमाग कहीं और होता है, आपका कर्म कुछ और होता है, रास्ते में जाते हुए भी बिजनेस करते हुए जाते हैं और कईयों को चलाते हुए जाते हैं, उसको झूठ बोला वहाँ पे जोड़ा और उसको झूठ बोला वहाँ पे जोड़ा, और वो अपने को कहा कि यार उसको जाके देख ले मैंने ऐसा सेट कर दिया और वो तू जाके काम कराइयो, बेटा ये तीर्थ यात्रा कभी भी फलीभूत नहीं होती। और इसीलिए कई बार तीर्थ यात्राओं के विपरीत फल भी निकलते हैं, और जो कि बड़े घातक होते हैं। तो बेटा परमात्मा को बहुत ज़्यादा मेहनत करना, आप अपने घर से ही दंडवत जाएं उसका आपको पूर्ण लाभ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप वहाँ जाकर के एक दंडवत प्रणाम भी कर देते हो ना, तो परमात्मा आपकी दिल की श्रद्धा को देखते हुए उसके अनुसार आपको फल देता है। हाँ, रही बात आपकी अपनी मान्यता की, तो बेटा अगर आप अपनी मान्यता को सिर्फ आधार मान के, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आप जाएंगे ही ऐसे और इसी मेहनत से परमात्मा के जाके दर्शन करके आएंगे, तो बेटा वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका मन है, वो आप एक तरह का परमात्मा को देने लगे अपनी तरफ से। परमात्मा की ये डिमांड बिल्कुल नहीं है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके आओगे, जितना ज़्यादा दुख पा करके आओगे, उस कदर आपको वो झोली भरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप श्रद्धा के फूल लेकर के जाइए, परमात्मा आपकी झोली सारी खुशियों से भर के भेजेगा। गुरु जी, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए, आकाश राजपूत आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या पूछना चाहते हैं आप ये हमें बताएं, लेकिन उससे पहले कहाँ का जन्म है आपका, जन्म स्थान के साथ ही जन्म तिथि और वक्त क्या है जन्म का, ये भी हमें बताएं। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1988। ठीक है बेटा।
और टाइम है शाम के 4:05। ठीक है। और बर्थ प्लेस है देवर के पास है छिबरामऊ। बीमारियां चल रही हैं, सभी लोग बीमार हैं और थोड़ी सी हमारी जॉब को लेकर परेशानी भी, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। बेटा तुम्हारी कुंडली वाकई में बहुत खराब है, और ये खराबी क्या है, सबसे पहले तो शुक्र राहु का मेल कहते अपनी सेहत, रुपया पैसा और पत्नी के सुख तीनों का धुआं निकालेगा। ये बहुत ही बुरा योग ये भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है। दूसरा योग बेटा सूर्य और बुध का अष्टम भाव के अंदर कि हर काम ऊपर पहुंच के नीचे। तीसरा बृहस्पति बेहद खराब तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर, कहते किसी काम की सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, उल्टा भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर इनके सुखों को किसी न किसी रूप में कमज़ोर करेगा। और ये क्योंकि मंगल को टक्कर है इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तुम्हारे कर्म को भी कमज़ोर करते हैं। तीसरा एक और बुरा योग 12वें स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा, कहते हर खुशी के बाद गम देगा और माँ बाप से जो भी पैसा लेकर के धंधा करोगे उसी को डुबो देगा। तो बेटा ये तो तुम्हारे रास्ते ही सारे बंद किए हुए हैं जैसे कुदरत ने। अब जब तक ये पूरे उपाय नहीं कर देते बेटा ये रास्ते नहीं खुलने वाले, और ये रास्ते ना खुले तो सेहत भी, गृहस्थी के सुख भी और समृद्धि के सुख भी तीनों ही खराब हैं। और ये तीन ही तो आधार है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उठने के और सक्सेस जीवन जीने के। तो इसका उपाय, और बेटा उपाय ज़्यादा है, एक भी उपाय छोड़ना मत वरना ज़िंदगी बड़ी दुश्वार होगी तुम्हारी, इसलिए इसको करना है। सबसे पहला उपाय 43 दिन 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय हर साल कांच के मर्तबान में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर जरूर दबाना है। और तीसरा 96 दिन के लिए ये बीच में से नाक छिदवानी है और 96 दिन के बाद चांदी या सोने की जो भी तार डालो उसे निकाल के बाहर फेंक देना है। और अब अगला उपाय 43 दिन दूध में घर में निकला हुआ वो सफ़ेद मक्खन डाल के वो तुमने मंदिर में देना, प्लास्टिक का गिलास ले लो उसमें दूध भर के उसमें सफ़ेद मक्खन डाल के 43 दिन लगातार मंदिर में दो। और एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के उसको वो जो एल्फी वगैरह या क्विक फिक्स वगैरह उससे चिपका के ताकि शहद लीक ना हो उसे हमेशा अपनी जेब में बना के रखो। और उसके बाद में हर महीने एक सफ़ेद धोती काली किनारी वाली जवान पंडित को ज़रूर देनी है। ये तो हो गए तेरी सारी जिंदगी को अच्छा करने के उपाय, लेकिन अब खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ काम को अच्छा करने के, और वो है 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के उसे जल प्रवाह करो और हमेशा अपना सर ढक के रखो जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। बेटा इन उपाय सारों को किए बिना तेरा जीवन पार नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई उपाय छोड़ना मत, जीवन तब अच्छा बनेगा। खुश रहे माता। गुरु जी कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में ही बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं और उनका कहना होता है कि यही हमारा तीर्थ है, हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना जायज है, कहाँ तक सही है? बेटा अगर परमात्मा को घर पे ही रखा जा सकता होता तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारा अध्यात्म हमें मंदिर बनाने की इजाजत नहीं देता। जहां परमात्मा रहते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कर्मकांडी सात्विक इंसान ही रह सकता है, वहाँ पर गृहस्थी नहीं रह सकती। और जिन लोगों ने, ये मैं बिल्कुल खुले में बोल रहा हूँ बेटा, जिन लोगों ने अपने घरों में दरबार बनाए हुए हैं और जिनकी फैमिलियाँ भी वहीं रहती हैं उसी घर में रहती हैं और वहाँ पर लोग भी आ रहे हैं और वो रोज़ भजन कीर्तन करते हैं, अपने घर पर अखंड जोत जला करके बैठे हुए हैं और दावा ये भी कर रहे हैं कि वो लोगों का दुख दूर करते हैं या उनमें परमात्मा आते हैं, आप उनकी निजी ज़िंदगी को सिर्फ तनिक सा झांक के देखो, उनसे ज़्यादा दुख आपके आसपास के माहौल में किसी को नहीं मिल रहे होंगे। उनके पास सिर्फ पैसा आ रहा होगा क्योंकि वो ये कर्म कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप यहीं से देखिए कि अगर परमात्मा उनको सुखी नहीं रख रहा तो घर में जब आप कोई बड़ा सा मंदिर बना करके उसके अंदर जब मूर्ति स्थापित कर देते हो और लगातार जब वहाँ पर जोत जलती है तो लाल किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि घर के बच्चे या तो सुखी रहेंगे नहीं या सुख देंगे नहीं। इसीलिए लाल किताब साफ तौर पे बोलती है कि घर के अंदर मंदिर कभी नहीं होना चाहिए, और जिस घर में मंदिर होगा वहाँ की औलाद या तो सुखी रहेगी नहीं या सुख देगी नहीं। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं,
इसका एक स्पेशल मैं पूरा एपिसोड बनाऊंगा और आप सबको समझाऊंगा कि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है और आध्यात्मिक रीज़न भी क्या है। ठीक है, इसीलिए बेटा घर पे मंदिर का होना आपके बच्चों के सुखों को ख़राब कर रहा है, और सही मायने में जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके कर्म को भी ये बिगाड़ देता है। तो परमात्मा मंदिर के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में होने चाहिए, ये बात आप मान के चलो, और आपका घर भी मंदिर से दूर होना चाहिए, ये भी बात मान के चलो। जिस जिस घर में पूजा आरती के वक्त में घंटे घड़ियाल की आवाज़ आती है, या घर के बिल्कुल साथ लगता हुआ पीपल हो या मंदिर की छाया जिस घर पे जाती हो, बेटा उस घर के सुखों में भी वाकई में बहुत बड़ी कमियां रहती है, इस बात को लिखित में रख लीजिए। आशा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो असूल बने हुए हैं हमारे अध्यात्म के और उसी परमात्मा के द्वारा जो बनाए हुए असूल हैं उनको अगर आप तोड़ते हो तो भी सजा के हकदार तो हम ही हैं ना। तो पहले जब भी मंदिर बना करते थे गांव के बाहर बना करते थे, अगर किसी राजा महाराजा के महल में भी मंदिर बनता था तो वो जहां उसका शयन होता था उससे 1 किलोमीटर दूर होता था, ताकि वहां की आवाज़ उसके शयन तक ना आए। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों को समझो, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, इनके पीछे वाकई में हमारे अध्यात्म के भी बहुत बड़े रीज़न हैं, समझ गए। इन सबको मान के चलो, अपनी अंधी आस्था जो अंधविश्वास बन गई है, ऐसी आस्था के जरिए परमात्मा के ऊपर बोझ मत डालो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको पूजा पाठ करनी है, परमात्मा के दरबार पे जाके करो, परमात्मा को लाके अपने घर पे मत बैठाओ, क्योंकि आप परमात्मा को जब घर पे लाके बैठाओगे तो वो पवित्रता नहीं अपना पाओगे, और वो पवित्रता नहीं रही तो सजा के हकदार आप बन जाओगे। गुरु जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित शर्मा जो कि पंजाब के खन्ना से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त अपने सवाल के साथ। अमित बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, लेकिन उससे पहले अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और सही समय क्या है आपके जन्म का, वो भी गुरुदेव को बताएं। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1977। ठीक है, और गुरु जी मेरा बर्थ है 4:35 पंजाब का, खन्ना शहर का, लुधियाना के पास पड़ता है। क्या जानना चाहते हैं आप अमित? गुरु जी बस मैं जाना चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मतलब उसका रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पाता है, बट अभी थोड़ी सी मैं और मेहनत कर रहा हूँ, मतलब फैटअप नहीं होता हूँ, बट अभी आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं क्या मतलब इसको काम करना चाहता हूँ, अभी मैं और भी कुछ बढ़ाना चाहता हूँ। बेटा तुमने अपने दादा को कब तक देखा? दादा को देखा नहीं गुरु जी मैंने, वो पहले ही ओके था। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि अगर होते भी तो ज्यादा से ज्यादा 12 साल की उम्र तक है। तुम्हारी मामा और बुआ का क्या हाल रहा बेटा? मामा मेरे जल्दी डेथ होगी तो उनकी, और बुआ भी तो मतलब ठीक है, मतलब 2-3 बुआ है मेरी, तो वो एक तो दो तो डेथ हो चुकी है, एक है अभी मेरी बुआ। अच्छा, दूसरी बात ये हो, तुम्हारी पत्नी का सुख कितना रहा और कैसा रहा बेटा? पत्नी का सुख गुरुजी मेरा 2007 में शादी हुई थी और अभी भी है और ठीक चल रहा है गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ मतलब तुम्हें गुस्सा कितनी, तुम्हें गुस्सा कितना आता है और डिप्रेस कितनी जल्दी होते हो बेटा? गुरुजी गुस्सा तो आता है और डिप्रेस भी हो जाता हूँ, फिर मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ। ये बातें मैंने इसीलिए पूछी है मेरे लाल। एक तरफ तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत शानदार केतु है जो कहता है कि ये अपने आप को खुद ही मोटिवेट करता है और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर करता है, यानी कि कर्म प्रधान होता है ये। ठीक है, दूसरी तरफ एक तरफ मंगल ऐसा बैठा है कि जो कहता है कि परमात्मा की दया से बकरियों में पला हुआ शेर, यानी कि आम लोगों से ऊपर की हिम्मत रख करके काम करने वाला इंसान। ठीक है, लेकिन तीसरी तरफ बुध इतना ख़राब है बेटा, जो बार बार अपने काम धंधों को ख़राब करता है, चिड़चिड़ापन देता है, और साथ ही यहाँ पर ये मामा के सुख, बहन बुआ के सुख इनको ख़राब करता है और कामकाज को ऊपर पहुँचा करके नीचे गिराने का काम करता है, और बार बार तुम्हें मेहनत बहुत करवाएगा, लाभ की मात्रा को कम रखेगा। फिर अगर तुम्हारे पेट के अंदर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बनने लगी, कब्ज की दिक्कत बनने लगी, तो ये पुत्र और पत्नी इन दोनों के सुखों में कुछ ना कुछ कमी के योग जरूर बना के चलता है, चाहे छोटी छोटी रोज की लगी हुई दिखते हों। ठीक है, ये चीज शनिदेव ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं जिस दिन तुम काम करना शुरू करेंगे उसके बाद 60 साल तक लगातार ये तुम्हें काम देंगे और करवाएंगे, लेकिन ये
केतु जो है वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, बुध जो है तुम्हें डुबोने के लिए, मंगल जो है तुम्हें हिम्मत देकर के सब पार करने के लिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है जो पूरी तरह से पार नहीं लेकर के जाता और पूरी तरह से लाभ नहीं देता। इसको तोड़ने के उपाय, यानी कि जो बुरेपन को तोड़ने के उपाय, ये क्या है? 17 दिन लगातार तुमने 34 पेड़े कुत्ते को खाने के लिए देने, यानी कि रोज के 34 पेड़े बनाने हैं 17 दिन लगातार, और वो कुत्तों को खाने को दो। हर साल कांच के मर्तमान के अंदर गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर तुमने जरूर दबाना है। कारण यह है कि ये राहु और सूर्य का मेल एक ऐसा मेल है जो बार बार अपने लाभ को, कर्म को, स्वभाव को इनको खराब करता है, तो इसलिए हर साल ये काम करना जरूरी है। और हर साल 4 नारियल पूजा वाले लेके सरसों के तेल का तिलक लगा के ऊपर काले तिल लगा के अपने जन्मदिन के आसपास उसे मंदिर में ज़रूर देना है। और अगर पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती हो तो ऐसे में कन्याओं को हर मंगलवार को दूध और मिश्री जरूर दो बेटा। इतने से उपाय करके देखो बेटा, सारी विघ्न बाधा खत्म होगी। कर्म की शक्ति तुम्हें पहले ही है, फिर कर्म तुम्हें लाभ भी बहुत अच्छा देगा, और उसके बाद जीवन बहुत आसानी से चलेगा। खुश रहे माता।